पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रॉकेट लॉन्चर से हमला कर हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमलावरों ने मंदिर और उसके आसपास बने हिंदुओं के घरों पर भी गोलीबारी की। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन इससे पहले ही हमलावर फरार हो चुके थे। पाकिस्तान में 24 घंटे के भीतर किसी मंदिर पर तोड़फोड़ की यह दूसरी घटना है। दरअसल कुछ दिनों पहले डाकुओं ने धमकी दी थी कि अगर सीमा रिंद उर्फ सीमा हैदर को भारत से वापस नहीं लाया गया तो वह हिंदुओं के पूजा स्थलों पर हमला करेंगे। सीमा हैदर के मुताबिक वो भारत के सचिन मीना से प्रेम करती हैं और अपने 4 बच्चों के साथ उनके पास ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं। वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत के ग्रेटर नोएडा तक पहुंची। यह मामला दोनों देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर सिंध प्रांत के काशमोर बाजार इलाके में स्थित है। रविवार 16 जुलाई 2023 को तड़के ही हमलावरों ने मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। इसके बाद वहां बने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी की। गनीमत रही कि लोग अपने घरों के अंदर थे, अन्यथा कई लोग इस हादसे का शिकार हो जाते। काशमोर कंदकोट के SSP इरफान सम्मो पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि डकैतों ने इस हमले को अंजाम दिया है। करीब 8 से 9 हमलावर आए थे और हमले के तुरंत बाद वे मौके से फरार हो गए। सौभाग्य की बात रही कि हमले के दौरान मंदिर बंद था। इस हमले को लेकर स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि डकैतों ने मंदिर पर जिस रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था उसमें विस्फोट नहीं हुआ, इसीलिए बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद से स्थानीय हिंदुओं में डर का माहौल बना हुआ है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान में 150 वर्ष पुराने मारी माता मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। यह मंदिर कराची के सोल्जर बाजार में स्थित था। शनिवार 15 जुलाई सुबह जब हिंदू समाज के लोग उठे तो उन्होंने पाया कि इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। शुक्रवार रात को यह घटना हुई। मंदिर ध्वस्त करने के दौरान इलाके की बिजली काट दी गई थी और इसके बाद बुलडोजर और खुदाई की मशीनों के साथ मजदूरों को लाया गया। मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद अब केवल बाहर की दीवारें और मुख्य द्वार ही बचा है। मंदिर के भीतर की सारी संरचनाओं को जमींदोज कर दिया गया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।